नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, रेलवे मेट्रो भर्ती 2020 ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिंक भी आपको बता दूंगा। यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, टेक्नीशियन और इंजीनियर के पदों पर बहुत बड़ी वैकेंसी निकलती हुई, जिनका आवेदन यहाँ पे 14 से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 14 से आप अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट, इसके अलावा फीस क्या है, इसकी क्या एज क्राइटेरिया, सारा सब कुछ डिटेल वाइज इस नोटिफिकेशन में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ में बताऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, शुरू से लेकर एंड तक की वीडियो देखिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पल पल के अपडेट हम यहाँ पे इस वैकेंसी से रिलेटेड तथा अदर जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उस स्टेट्स में जो भी वे न्यू वैकेंसीज निकलती है उसके बारे में जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पे जो वैकेंसी की ऑनलाइन यहाँ पे कब से स्टार्ट है। सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट बता देता हूँ आपको। यहाँ पे डेट देख लीजिए आप, सबसे पहले यहाँ पे डेट देख लीजिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 8/12/2020 का यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेटेड। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट, करियर लिंक यहाँ पे जो दे रखा है उस पर 14/12/2020 से यहाँ पे स्टार्ट है। और एप्लीकेशन फीस टू बी पेड बिटवीन यहाँ पे 14/12/2020 से 21/1 तक यहाँ पे लास्ट डेट है। तो कुल मिला के यहाँ पे जनवरी 21 यहाँ पे लास्ट डेट है इसकी। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो ये एप्लीकेशन है ये खाली 21/1 तक अवेलेबल है, उसके बाद में आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो 14 दिसंबर से यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, 14 दिसंबर से आपको स्टार्ट करना है। अगर पोस्ट की बात करूँ यहाँ पे देख लीजिए, नेम ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है, पे स्केल है, वैकेंसी इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी, मिनिमम क्वालिफाई जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो यहाँ पे, इसके अलावा एज, कब यहाँ पे आपका क्लोजिंग जो भी है डेट, यहाँ पे कितनी एज आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ है स्टेशन कंट्रोलर, यानी कि जो या एक तरीके से ये ASM होता है जो ट्रेन ऑपरेट करता है। मेट्रो की वैकेंसी में आपको पता होगा यहाँ पे ASM इसमें नाम नहीं होता है, इसका नाम होता है स्टेशन कंट्रोलर या ट्रेन ऑपरेटर, ट्रेन कंट्रोलर। ये जो वैकेंसी है इसमें लिखा हुआ है 33,000 से 1,00,000 तक आपका पे ग्रेड बनता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो देख सकते हो यहाँ पे ये नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो वैकेंसी यहाँ पे इसमें ये सारी की सारी लिस्ट लिखी हुई है OBC SC ST OBC EWS वाले। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे सामने क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है 18 से 28 साल के बीच में आप भर सकते हो। इसके अलावा जो भी छूट वोट है वो सब मैं आपको डिटेल में यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता रहूँगा। नंबर 2 पोस्ट है यहाँ पे सेक्शनल इंजीनियर की, तो सीधी सी बात है इंजीनियर डिग्री आपकी होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। वहीं सेक्शनल इंजीनियर IT सेल में भी निकली है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिकल में, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ये सारी की सारी जूनियर इंजीनियरिंग वाली पोस्टें भी निकली हुई है। तो सबसे पहले वाली पोस्ट मैंने आपको बता दी है यहाँ पे, इसके लिए आपको जो सबसे नंबर 1 पे पोस्ट थी वो, उसके लिए आपको खाली डिग्री होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक, ये साफ साफ लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन में, इसमें भी आप जाके पढ़ लीजिए। इसके अलावा एक नंबर 2 मतलब कि टेक्नीशियन वाली भर्ती भी इसमें निकली हुई है, तो उसका भी मैं आपको डिटेल में क्राइटेरिया वो जो भी है बता दूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप एक बार वापस से इसको पूरा पढ़ लीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने बता दिया है, वापस से बता रहा हूँ, www.punemetrorail.org.in.org इस पे जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो सारा सब कुछ डिटेल में मैंने बता दिया है आपको। जो भी आपका डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। तो वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, भर दीजिए। और यहाँ पे सारा सब कुछ पे और ग्रेड वो सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, एज रिलेक्शन आप देख लीजिए सारा सब कुछ। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस वैकेंसी के अंदर इंटरेस्टेड हो तो नीचे अप्लाई का लिंक भी मैं दे दूंगा, उस पर आप जाके अप्लाई कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। इसे ऐसी वैकेंसी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। यहाँ पे ये वैकेंसी महाराष्ट्र के लिए थी, ध्यान रखिए महाराष्ट्र वालों के लिए वैकेंसी है। तो अदर स्टेट में आते हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और आप जिस भी स्टेट में आते हो उसकी वैकेंसी भी पल पल के अपडेट हम देते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आज हमारे इस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।